यस स्टूडेंट वी आर लाइव नाउ। मैं अब आप लोगों के सामने 10th क्लास वालों के लिए हिंदी पेपर के जो गद्य और पद्य आते हैं उनके पैराग्राफ बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार आने वाली है। तो इनमें से सबसे पहले मैं थोड़े थोड़े हिंट्स देती जाऊंगी लाइंस की, पूरा पैराग्राफ लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं 2023 के पेपर की हिंदी में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप मेरे साथ लिखें, एक कॉपी ले लें और पेन ले लें और नोट करते जाए मेरे साथ में। तो सबसे पहला आपका है ये चैप्टर नंबर 1 मित्रता आता है, मित्रता पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक है आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नंबर 1 है। तो विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र का जीवन इतना हिंट्स काफी है देखने के लिए। इस पैराग्राफ को मॉडल से देख लेना या किताब से देख लेना। दूसरा पैराग्राफ है मित्र का कर्तव्य, कर्तव्य। तीसरा पैराग्राफ है संघ का ज्वर। चौथा पैराग्राफ इस पाठ के अंदर से आ रहा है सावधान रहो, सावधान रहो। ये हिंट्स के लिए आपके चार पैराग्राफ मित्रता पाठ से है। दूसरा है आपका पार्ट ममता, ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है हे भगवान। ये कैसा आए हुए बीमेसियर के है, इसके अंदर एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है। इसके बाद आपका आता है भारतीय संस्कृति स्टार्ट। हाँ नंबर 3 पे आता है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पार्ट नंबर 3। इसके राइटर्स है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं यह एक नैतिक डॉट डॉट, इतना हिंट्स काफी है आप लोगों के लिए। नंबर 2 पे आपका आ रहा है हमारी सारी संस्कृति डॉट डॉट। नंबर 3 पैराग्राफ इसके आ रहा है आपका आज विज्ञान मनुष्य, विज्ञान मनुष्य, इतने अंश काफी है। ये आपका हो गया पार्ट नंबर 3। आगे आइए, इसी में एक और आ रहा है आपका, इसमें नहीं पार्ट नंबर 4 में अब आपका आएगा अजंता, अजंता पार्ट से। इनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आधा लिख रहे बाकी समझ लेना। इसके अंदर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये चैप्टर है पैराग्राफ है कितना जीवन बरस पड़ा, कितना जीवन बरस पड़ा। अच्छा ये इतने पैराग्राफ हैं जो
आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी पैराग्राफ है आपके एग्जाम में आने वाले इनको तैयार कर दें। लेकिन ये ट्रिक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस ट्रिक को ट्रिक की तरह ही ना पढ़े, थोड़ा बहुत डिटेल पढ़े बुक के अंदर। डिटेल पढ़ेंगे तब पहचान पाएंगे, 20 से पैराग्राफ दे दिया गया और आप पहचान ही नहीं पा रहे कहाँ से आया है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इतने मैंने आपके सामने पैराग्राफ रखे हैं, इनके डिटेल्स जरूर पढ़े और इनको तैयार करें, श्रद्धा और इनके सभी के तैयार करें कि इनके राइटर कौन है और इसमें क्या कहा गया पैराग्राफ में, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको पदांश के बताने जा रही हूँ। हिंदी पदांश में जो हिंदी के पदांश है उनमें नंबर एक पे आते हैं सुरसागर। सुरसागर ये राइटर है, इनका महाकाव्य से सुरसागर महाकाव्य इनके इस चैप्टर के अंदर से जो भी लाइनें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके राइटर है सूरदास। इसमें आ रहे हैं आपके चरण कमल, सुना होगा चरण कमल बंदो हरी राय .. इतने हिंट्स काफी है, ठीक है। इसके अंदर से फिर आ रहा है आपका अभिगत कछु कहत न आवे, कहत न आवे, इसमें इतना हिंट्स काफी है। इसके बाद आपका इसी में आ जाता है उधो मोही ब्रज विस्तृत नाय विस्तृत, इतने हिंट्स काफी है इस वाले पैराग्राफ में। नंबर चार में आपकी है श्लोक निर्गुण कौन जिसको वासी, निर्गुण कौन देश को वासी .. इस लेसन के अंदर से सुरसागर महाकाव्य में से ये चार पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस साल। चैप्टर नंबर टू में देखो, चैप्टर टू है आपका धनुष अंग वन पत्र पर इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये मैं साथ साथ लेखक इसलिए बता रही कि आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, जब आप संदर्भ लिखते हैं तभी आपको आगे के नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है संदर्भ को पढ़ता है पहले। तो यहाँ पर इसमें जैसे कि कोई ट्रिक आती है आप लोग को 20 से दे दिए गए लाइन उठा के, तो आप लोग कहेंगे कि इसको हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहले ध्यान रखना सूरदास ने किसके बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में वर्णन किया है। और इसमें जो गोस्वामी तुलसीदास है वो रामचंद्र के भक्त है, तो राम के बारे में वर्णन किया, राम सीता कैकेयी भरत ये भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से बिहारी है, बिहारी ने भी राधा कृष्ण की वार्तालाप के बारे में बात की है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल तो पहचान लेंगे, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो फिर भगवान मालिक आप करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट में आती है पैराग्राफ रानी मैं जानी अजानी, इतना पैराग्राफ काफी, इतना हिंट्स काफी है आपके लिए। इसके बाद शीश जटापुर ये हिंट्स काफी है। नंबर तीन किसी कुंज रहू नंबर तीन, इसके अंदर से तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हिंट्स बन रहे हैं आप
पैराग्राफ बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर भक्ति, नीति, भक्ति नीत, ये इनके लेखक हैं बिहारी बिहारी लाल। इसके अंदर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोहत उड़े पीक पढ़ने, सोहत ओढ़े पीठ पटु, इतना इस काफी है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और आता है भरत, भरत संपत्ति, इस चैप्टर के अंदर दो आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है स्वदेश प्रेम। इनके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, साथ साथ में राइटर्स भी तैयार करते चले, जितने भी राइटर्स हैं तैयार करें। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंट्स हैं संकेत, नंबर एक अतुलनीय, जिनके प्रताप डॉट डॉट निर्भय स्वागत, नंबर दो निर्भय स्वागत करो मृत्यु, करो मृत्यु, इतना संकेत काफी है पैराग्राफ निकालने के लिए। हाँ नेक्स्ट अगला पाठ आपका है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। मेरे बोलने पर ध्यान दें और साथ में नोट कर देना, माखनलाल चतुर्वेदी। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हाथों की जब एग्जाम क्लियर हो पाएगा, बहुत सारा लिखने के लिए आता है एग्जाम में। तो इसमें है बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। नंबर दो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने एक दिया आपको, ये कई सालों से लगातार आ रहा है। इसके बाद चैप्टर आगे चलेगा आपका, ये दोनों मैं हटा देती हूँ, एक ही काफी है। झांसी की रानी अगला चैप्टर आपका है, झांसी की रानी। इनके लेखक हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जैसे कि झांसी की रानी है, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कवित्री है। तो इनका एक पैराग्राफ बढ़ जाता है मान वीरता, इनके दो तीन है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। बढ़ जाता है मान वीर का, इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, तो कितनी अच्छी लाइन है, बढ़ जाता है
है मान गिरता रण में बलि होने से। रण का मतलब युद्ध में जब बलिदान हो जाता है उसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। एक इसके अंदर से यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक इसके बाद मैं आपको संस्कृत के गद्यांश बताने जा रही हूँ, चलो इसको फॉलो करो, इसको बिठाओ। हाँ, संस्कृत के गद्यांश मैंने आपको करा दिए, हिंदी के पद और हिंदी के गद्य, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो एग्जाम में आने वाले संदर्भ व्याख्या के लिए, ठीक है। अब मैं करवाने जा रही हूँ संस्कृत के गद्यांश, तो इनको जो इस बार 2023 में आने वाले उनको नोट करें। नंबर एक, यहाँ पर डायरेक्ट उनको पैराग्राफ मिलेंगे। वाराणसी, चैप्टर का नाम नहीं दिया मैंने इस बार, पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ले लिए हैं। वाराणसी सुविख्यात, सुविख्यात प्राचीना, नंबर दो पे आपका आ रहा है पटाम, मेरे साथ लिखते जा, ऐसा नगरी भाषिया, ऐसा नगरी भारतीय डॉट डॉट, ये दूसरा पैराग्राफ है संस्कृत के अंदर। नंबर तीसरा, नंबर तीसरा में आता है यम नगरी विविध धर्माणी, ये तीसरा आ रहा है आपके सामने। एक और चौथा आ रहा है, पूरे संस्कृत में केवल चार मैंने दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो चौथा आपके सामने आ रहा है अस्माकम संस्कृति सदा। चार पैराग्राफ है इसके अंदर से। अब मैं देने जा रही हूँ संस्कृत पद्यांश में से, इनको नोट कर लिया आप लोग। संस्कृत पद्यांश आने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी नोट करें। मैं बहुत ही कम कंटेंट दे रही हूँ आप लोगों को, अगर इसको भी तैयार नहीं कर पाओगे ना तो फिर भगवान मालिक है आपका, और बहुत कम कंटेंट है, इसको तैयार करो अगर अच्छे नंबर लेकर आ गए तो। ये नंबर एक श्लोक में से दिया है आपका धान्या, धान्याना संस्कृत। इस टाइप की आपको इंग्लिश लिखने में बहुत आसानी होती है, लेकिन संस्कृत लिखने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि हम वो चीजें नहीं लिखते हैं। किस्मिद, इतना काफी आपके लिए। मान हित्वा दूसरा है आपका श्लोक, इसको हम पढ़ेंगे माना हित्वा प्रियो, ठीक है। नंबर तीन आपका है यहाँ पर किस्मित गुरु द्वारा, गुरु तरा, ये आपके यहाँ पर तीन है संस्कृत पद्यांश से जिनके संदर्भ और व्याख्या लिखने को हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आपका आएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत ही कम कंटेंट दिया है, इसको आपको तैयार करना है, ठीक। कम से कम बुक्स या मॉडल्स खोलकर देखो कि इसका हमें कैसे बनाना है क्या नहीं बनाना है, इतना शॉर्ट कंटेस्ट है, तो घर पे जाकर जरूर पढ़ो, लगातार पढ़ो। कितने घंटे पढ़ो, लगभग अबाउट 4 आवर, तो लगभग आपको 4 घंटे खुद पढ़ना चाहिए, खुद से तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ